अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कोविड में रहते हैं, कोविड की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बड़ी न्यूज़ जो है देने वाला हूँ। इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट किया गया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे कि कौन सी वैक्सीन लें, कौन सी वैक्सीन नहीं लें। खास करके अभी कोई भी अपडेट इस तरीके का नहीं आया था जो क्या उसमें किसी भी वैक्सीन का नाम लिया गया हो, क्या इस वैक्सीन को लेने के बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी। तो एक बड़ी अपडेट आ चुकी है इसके हवाले से, और भी बहुत सारी अपडेट इससे ही मिलती जुलती जो कि हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अच्छी अपडेट है, गुड न्यूज़ है, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अभी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का अपडेट दिया गया है कि कौन सी वैक्सीन लें कौन सी नहीं। तो इंडियन एम्बेसी ने आज जो है फाइनली अपडेट दे दिया है। जो कुवैत के अंदर इंडियन एम्बेसी है उसने अनाउंस किया है कि आप किसी भी देश में, उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लाइक जितने भी जिस कंट्रियाँ हैं उनमें आप कौन कौन सी वैक्सीन लेकर एंट्री कर सकते हैं। तो खाली कोविशील्ड का नाम लिया गया है कि कोविशील्ड आपने वैक्सीन ले रखी है तो आप जो है उसमें एंट्री कर सकते हैं कुवैत के अंदर। तो घबराने का आपको जरूरत नहीं है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब फाइनली कर दिया गया है। आप जो है कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद में कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एक वीडियो हमने दो दिन पहले बनाया था आपको, कल की डेट से परसों की डेट में आपको बना के दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इंडियन एम्बेसी को आप अपना डाटा जो है सबमिट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कौन सा वैक्सीन आपको लगा, और आपको जो है 1 अगस्त के बाद में एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप एंट्री करना चाहते हैं तो कुवैत में आराम से बेटेंशन होकर एंट्री कर सकते हैं कोविशील्ड जो है वैक्सीन लगाने के बाद में ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट और जारी किया गया है जिसमें बताया गया है किसी भी बंदे का पासपोर्ट जो है एक्सपायर होता है, यानी कि वो कोई भी पासपोर्ट के लिए रिन्यू करने के लिए अप्लाई करता है और अपडेट करता है, तो उसको 3 महीने पहले जो है अपडेट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कामकाज में इंडियन एम्बेसी अगर बंद हो जाए किसी कामकाज के थ्रू या कोई छुट्टी पड़ जाए, तो इस दौरान उसको 3 महीने पहले आवेदन करना चाहिए, ताकि उसका पासपोर्ट सही सलामत उसको मिल जाए और किसी भी तरीके से वो परेशानी में ना हो। तो ध्यान रखिए, अगर आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने वाला है तो 3 महीने पहले ही आप इत्तला कर दें, ताकि आपका पासपोर्ट आराम से आपको मिल जाए और आप बेटेंशन होकर जो है इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकें और उनको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे सकें। अब ये एक बड़ी अपडेट थी जो सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कौन सी वैक्सीन लेकर आप लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आज निकल के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो है कुवैत के अंदर एक नया कानून लागू होने वाला है, और ये समझ लीजिए वो लागू ही हो रहा है क्योंकि संडे आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। और आपने अगर कोई भी वैक्सीन नहीं लिया तो जल्द से जल्द वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि आपको जो है वैक्सीन लेने के ही बाद में रेस्टोरेंट, होटल, मॉल वगैरह में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और उसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना होगा, जैसे कि इम्यून एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उससे ही आपका मालूम पड़ेगा आपने जो है वैक्सीन ले रखी है नहीं ले रखी है। और बहुत सारी जगहों पे इसी तरीके से, और ये सारी देखा भारी जो करेगी कुवैत की आर्मी जो है वो करेगी, और कहीं पर भी आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है बिना वैक्सीन के। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोग तो शेयर की जाए। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।